मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको अम्ब्रेला ड्रॉ करना सिखाया था कि अम्ब्रेला हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। आज हम अम्ब्रेला में स्प्रे करना सीखेंगे। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक हमें वेस्ट पेपर चाहिए होगा, वन सीजर एंड वन टूथब्रश जो आपके पास वेस्ट पड़ा हुआ है, और कोई भी टू कलर्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। वाटर कलर हमें यूज़ करने हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक अम्ब्रेला जो हमने वेस्ट पेपर लिया था उस पर ड्रॉ करना है, ठीक है। वो हमने अम्ब्रेला उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था ड्रॉ कर लिया। अब हमने जिन भी स्ट्रिप्स में कलर करना है, टू स्ट्रिप्स में सपोज करो कलर करना है, तो वो स्ट्रिप्स हम सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे। इस तरीके से हमें क्या कर लेना है, उसको काट लेना है। ये मैंने काट रखा है, मैं इन्हीं पार्ट्स को अलग कर दूंगी। अभी ये पार्ट्स मैंने इसके अलग कर लिए हैं। अब मैं इसमें पहले रेड कलर ले रही हूँ। रेड कलर को इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से कलर्स के अंदर ब्रश को डिप करना है कलर में इस तरीके से। अब उसको स्प्रे करने के लिए आप पहले इन पूरी जो पिक्चर्स है ना आपकी, उसको चारों तरफ से किसी भी चीज़ की हेल्प से इसको दबा लेना है, ताकि आपकी स्प्रे जो है एक्यूरेट शेप में आए। इस तरीके से हम स्प्रे करेंगे। देखिए, इस तरीके से हमें उसी पार्ट में स्प्रे करना है। ध्यान रखिए, आप कहीं और पे ब्रश को ऊपर नहीं उठाएंगे, स्प्रे आपको उसी जगह पे करना है। जो पहले वाली जो दो स्ट्रिप्स हमने यहाँ पर पेस्ट की हुई थी, अब हम वो वाली निकाल लेंगे और दूसरे वाली हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी है। अब हम दूसरी जगह स्प्रे करेंगे उसको सुखाने के बाद अच्छे तरीके से। तो ये वाली हम लोगों ने अब ये वाली अब हम दूसरे कलर से स्प्रे करेंगे। अब हम ग्रीन कलर से स्प्रे करेंगे यहाँ पर। आपके पास जो भी कलर है आप वही ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये अब हम ग्रीन कलर से स्प्रे करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है स्प्रे करते समय कि हमारा जो कलर है पहले वाला सूख जाना चाहिए, जब ही आप दूसरी जगह पर कलर स्प्रे कर सकते हैं। ये देखिए, ज़्यादा कलर नहीं लेना है, जैसे मेरे उसमें ये हो गया है, थोड़ा सा डॉट ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा स्प्रे हो गया है। तो उसके लिए ये ध्यान रखिए कि आप एक बार ज़्यादा कलर लेंगे तो ऐसा भी हो सकता है। आपको अच्छे तरीके से स्प्रे कर लेना है, फिर उसको सुखाने के बाद हम इसको कंप्लीट करेंगे ऑफलाइनिंग करके। देखिए, ये जो हमारा वेस्ट पेपर था उसको हटाने के बाद हमारा अम्ब्रेला ऐसा दिखाई देगा। अब हम उसकी ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइनिंग कर देंगे। बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो अम्ब्रेला है वो सूख जाना चाहिए। ऐसे स्प्रे किया हुआ कोई भी चीज़ है, किसी भी ऑब्जेक्ट में आप स्प्रे कर रहे हो, तो बस वो सूख जानी चाहिए। उसके बाद आप उसमें आउटलाइनिंग करेंगे इस तरीके से। अब इस तरीके से आउटलाइनिंग हमें कंप्लीट कर लेनी है ब्लैक स्केच पेन से। आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाकर, कोई भी शेप बनाकर इस तरीके से उसमें स्प्रे करेंगे, और उसके बाद उसको डिज़ाइन, उसको सजा भी सकते हैं जिस तरीके से। मैं भी आपके सामने इसके अंदर, जैसे ये हमारा यहाँ पर खराब हो गया है, तो हम उसको स्केच पेन से इस तरीके से हम इसको सजा देंगे कि ये लगेगा कि यहाँ पर डिज़ाइंस बने हुए हैं। ऐसे करके हम इसमें फ्लावर्स वगैरह कुछ भी बनाकर उसको कंप्लीट कर लेंगे। अभी देखिए, हमारा अम्ब्रेला जो है हमने सजा भी दिया है, इसको अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। इसमें पता भी नहीं चल रहा कि हमसे कहाँ पर ये जो है इस तरीके से गंदा हो गया था। अभी आप लोग भी इसी तरीके से मुझे स्प्रे करके वीडियो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।